शुक्ला जी भी खड़े, ये भी हमारे जी वरिष्ठ है, तभी तो शुक्ला जी से भी पूछा था। होना चाहिए लिखित में, ऐसा हो कि अरे लिखित ना हो, लिखित यहाँ हमको 54 किलो चाहिए या 53 चाहिए, जो भी हो कह सकते हैं। जो डेली टैकल कर रहे हैं वो केवल ये है कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनाई जाए वो बनना चाहिए। हमारे साथ है आलू आरती दीवान जी ट्रेडर्स। आज आपसे भाव बाद में पूछेंगे, हम एक चीज ये पूछेंगे, आज हमें को दिख रहा है कि ट्राली खुला ज्यादा है आज। ये पीछे भी ये ट्राली मुझे दिख रही है, ये सब खुला ट्राली है, सब अपनी खुला है, सब खुला है, सब आपकी दुकान में सब खुला है। क्यों आपने ऐसा क्यों किया, क्यों खुला मंगाया? ये आलू पैकेट में बिक रहा था, आपने खुला मंगाया है? खुला व्यापार कास्तकार घाटा है। मतलब किस वजह से? कम से कम 55 किलो उधड़ा। मतलब पैकेट जो है 55 किलो चाहिए? 55 किलो चाहिए, 56 चाहिए। हाँ। मतलब 53 से कम नहीं चाहिए? 53 नहीं, 55 से कम नहीं चाहिए। अच्छा। अरे शुक्ला जी जी, आप व्यापारी हैं, ये आरती है जी। एक चीज मैंने कल भी बोली थी भाई, ये जो पैकेट का जो यहाँ पे जो सिस्टम जो चल रहा था, अभी शुरू हुआ था नया, कि मतलब पैकेट से बिक रहा था, पैकेट से सब लोगों को सुविधा भी दिखी। मेरे व्यापारियों से भी बात की हमने, आपको कोई तकलीफ है? बोले नहीं, कि बड़ा आराम है इसमें, कि मतलब फटाफट आरती भी सोचता है कि फटाफट निपट जाते हैं हम, किसान भी सोचता हम भी निपट जाते हैं, लेकिन एक वजन को लेकर समस्या आ रही है जिससे ये खुला ट्रालियां आ गई। आज कल भी कल कई ट्रालियां खुला तुली थी, तो वजन को लेकर समस्या ये आ रही है कि जो 53 किलो का ये जो मिनिमम गारंटी चाहिए होती, 53 किलो मिनिमम गारंटी चाहिए, अब वो 53 किलो जो कम हो जाता है उसका तो वजन मतलब काटा जाएगा उससे किसान से। आप 55 से कम हुई है, कटिए 55 से। आप 55 की बात कर रहे हैं? 55 की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हो वो मतलब अभी तक 53 ही था, आज मैं पहली बार आपके मुंह से सुना 55, तो हम 55 मान लेते हैं, लेकिन अगर उसका 58 किलो वजन अगर होता है तो उसको मिलना चाहिए ना भाई? बात जब परिभाषा ही गलत है उसकी। जब पूरे भारत में एक तौल माप बना हुआ है जी, तो 55-58 मतलब क्या है? या तो 50 रखिए, कुंटल से सौदा कीजिए, क्या समझे? कटा छुटा एकदम शुद्ध आलू आना नहीं, हुंडा बिक रहा था ना, हुंडा 58 का क्या मतलब? नहीं तो उसका ये मतलब है, व्यापारी तो 53 का क्या मतलब? 58 का मतलब 53 का क्या मतलब? वही तो बता दे। हाँ। उसका मतलब हमारा कहने का भाव है कि एक कुंटल से सौदा उसकी होनी चाहिए, जो मट्टी आए उसकी तौल 58 का ये होता है कि उसके वो व्यापारी कहता है कि हमारे इसमें 8 किलो मट्टी है, वो सिद्ध करे कि हमारे में 8 किलो मट्टी नहीं है, हमारे में 5 ही किलो मट्टी है। नहीं, उसपे एक हम वो उसपे वो नहीं कर रहे हैं कि उस पे एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर जैसे आपको ये लगता है कि भैया कि हमको वजन से ऐसे करके चाहिए तो वो तो खुला आएगा ही, लेकिन पैकेट से मैंने देखा सबको, सब लोग बोल रहे थे कि पैकेट से आराम है, किसान को भी आराम है, उसको नहीं, भी आराम है। 58 किलो एवरेज नहीं आता है, ये गलत। अरे 58 किलो का हम बात कर रहे हैं, अगर 53 का जो अभी तक 53 ही चल रहा था ना, आज मैंने पहली बार आवाज सुनी 55 की, 55 मांग रहे हैं अब तो मिट्टी ज्यादा मिट्टी पे। और जब फिर मिट्टी कैसे कटेगी मान लीजिए? ऐसा 53 किलो आलू चाह रहे हैं, 2 किलो मिट्टी का प्लस चाह रहे हैं, तो वैसे मिला के 55 किलो हो जाता है। हुंडा में मिट्टी ज्यादा आती है, लेकिन मिट्टी स्वाभाविक घर पैकेट में निकलने निकलेंगे। एक मिनट, ये आलू तुलेगा भी 50 किलो में 47 किलो तुलेगा, मट्टी निकलती है नीचे, देखो इसमें भी तो 3 किलो जा रहा है। नहीं, हम उसका ये नहीं, देखो उस पर कोई वकालत नहीं कर रहे हम, नहीं खाली उसमें ये है कि एक आपसी सामंजस्य होना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ ना हो। जब बहस गलत दिशा में जा रही है, हमारा कहने का भाव ये है कि एक रेट कुंटल से होना चाहिए, जितना कटा फिटा हो और जितना मट्टी हो उसमें, चाहे 55 आए, चाहे 58 आए, चाहे 60 आए, चाहे 53 आए। बात जो मुद्दे की बात है वो तो ये है, व्यापारी को ग्रेडेड आलू चाहिए। अभी मैंने एक ट्राली खरीदी है, उसका पैकेट जब हमने देखा तो 5-6 किलो उसमें कटा हुआ आलू है, तो किसान को मंडी में अपना साफ आलू लाना चाहिए। उसका कहने का मतलब है साफ आलू लाना चाहिए और उसका उसका कुंटल से भाव होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना है खाली कि अगर वो भी आपसी सामंजस्य की भैया ऐसे तौल के बिकना चाहिए तो सबसे कह दो कि तौल के लाओ, तो मतलब खुला लेके आओ, तो वो खुला लेके आएगा। मतलब कोई पैकेट में ला रहा है, कोई खुला ला रहा है, तो वो जो भेड़ चाल एक चल रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है कि सामंजस्य नहीं है खाली। मैं उसका ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नियम कानून अपना क्या रखेंगे, वो तो आपके भैया आप लोग अपना डिसाइड करें कि व्यापारी आड़ती वो लोग मिलकर डिसाइड करें क्या रहेगा। तो ये है कि जैसे कोई पैकेट में ला रहा है, कोई कितना भी भर के ला रहा है, फिर उसमें लपड़े हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। लपड़ा नहीं होगा ना, कि जैसे मान लो एक कोई तौल माप की बात हो रही है, तौल माप होगी, लपड़ा नहीं होगा उसमें कुछ भी, तो बस वो चीज़ है कि उसका एक ये कर दिया जाएगा, नहीं भैया चलो खुला बिकेगा, तो सब लोग खुला लाएंगे, अपना तौल जाएगा, वो बात खत्म।
भाई तुल पैकेट भी सकता है, ऐसा उसमें भी नहीं है, लेकिन पैकेट भी है कि मतलब ज्यादा होगा तो लेंगे हम, अब कम होगा तो तुमको काट लेंगे, तो वो एक गलत है, जो गलत है वो गलत है। हाँ तो उसपे एक ये होना चाहिए भाई, देखो पैकेट का एवरेज वजन इतना चाहिए, तो एवरेज वजन उसका निकाल लो, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि भैया कि यार मुझे मतलब लूट लिया है आदमी, वो एक किलो में सोचता है मुझे लूट लिया है, तो लेकिन नियम के तो खिलाफ ही है, नियम के खिलाफ है। आप जो भी रेशियो रखे, हम ये नहीं कह रहे आप 53 किलो ले, आप 60 किलो ले, लेकिन 60 किलो का एक रेशियो बताए कि भैया देखो 60 किलो का रेशियो चाहिए हमको, तो पैकेट का रेशियो 60 किलो का निकाल लो, पहले 53 तो 55 भी हो, जो भी है हम उसपे कोई बात नहीं करे, 53 था 55 हो गया ना, तो क्यों हुई हो आप बेचन वाले ज्यादा, तो 53 गलत नहीं नहीं इस पे हम एक बार जी जी 55 किलो आलू केवल यहाँ दो चार पार्टी मांग रही है। अच्छा हाँ, एवरेज इन मंडी के अंदर ज्यादातर 95% लोग कहते भैया हमको 54 किलो की एवरेज दे दीजिए। अच्छा आज अभी तक मैंने जो सुना था वो सब जगह 53 की आवाज मिली थी, आज आपने एक आवाज आज आपने एक दी 55 किलो का दो चार पार्टी मांग रही है, जो भी वो पता लगाइए, वो नहीं 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 हम उसका वो नहीं कर रहे कि आप भी पता लगाइए ना, वो तो दिखाते हैं, आप उन पार्टियों को पता लगाइए कि 55 किलो क्यों मांग रहे हैं, या तो एक रेशियो रखिए, एक रेशियो रखिए कि 54 किलो। भाई 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 मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग जो है अपनी आप पथेरिया साहब जी, आपका वीडियो डेली देखते हैं जी, यहाँ इस मंडी के अंदर कोई कानून नहीं चलेगा, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आगे और पोजीशन जब यहाँ कानून जब चलेगा, आलू अभी शॉर्टेज है तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम भी अच्छा जी जी भी है, बजारी भी है, आड़ती भी है, यहाँ कम होगा सब। शुक्ला जी फ्रेम में आए आप, फ्रेम में आए आप, और कम नहीं, और जब ज्यादा होगा तो कानून लिवाल का होता है। अच्छा सीधा समझ लीजिए आप, नहीं हम क्यूरी आप मेरा देखता हूँ आपका डेली देखता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ खाली आपसी सामंजस्य की बात कर रहा था, और जो आप एक बात कर रहे हैं कि 58-57 का यहाँ एक एवरेज होना चाहिए 54 किलो का, जो भी हम 58-57 की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं जो भी वो एक सामान्य मोदी जी कह रहे हैं, कुछ व्यापारी हैं कि वो 55 किलो चिल्ला रहे हैं जी, आपकी बात ये भी सही कि बढ़ती है तो बढ़ती को जाने दीजिए, बस 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 मेरा इतना ही कहना कि आप 60 किलो के एवरेज तय करें, जिंदा 70 किलो के एवरेज तय करें, उससे हम ये नहीं कह रहे भैया 70 किलो मरी नहीं खाना चाहता है बस, नहीं वो तो सही बात है, जिंदा तो सबको ही खाना चाहता है, लेकिन मरना भी कोई नहीं चाहता ना, किसान भी मरना क्यों चाहेगा, वो भी तो चाहता है कि मुझे मारा ना जाए, तो अभी हम कहेंगे इसकी मट्टी निकालो उतना काटो, वो लफड़ा फिर और पड़ेगा किसानों से, नहीं नहीं लेकिन अगर आप ये कैसे कह सकते हैं, जो डेली टैकल कर रहे हैं वो केवल ये है कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनाई जाए वो बनना चाहिए, हम खाली आपसी सामंजस्य का मेरा मतलब यही है कि जो जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं तो वो खाली आप लोग बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, हमने आप क्या बताया इस मंडी जैसे खुला पे अगर लोग तैयार है तो वो बोले भैया देखो खुला तोड़ के लेंगे, बात खत्म, 400 मोटर आमदनी हो जाए कोई कानून नहीं, 50 मोटर रह जाए तो सब बना लेंगे, मगर खाना चाहिए फिर ना 15 दिन 50 मोटर तब कानून सब बन जाएंगे, देखो आमदनी को तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सीधा आमदनी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई ये कि 50 मोटर आए तो 50 मोटर वो तो जितनी आएगी उतनी आएगी, चल रहा है भाई साहब, और 15-20 जनवरी तक पके में ये चल नहीं पाएगा, भाव होता है ना, भाव की बात नहीं, भाव भाव की बात नहीं, चल पाएगा मेरे अंदाज से, जी 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 नहीं जो भी जैसा भी चले उसका हमको ये भी नहीं है, शुक्ला जी भी खड़े, ये भी हमारे हैं जी वरिष्ठ है, तभी तो शुक्ला जी से भी पूछा था, होना चाहिए लिखित में, ऐसा हो कि अरे लिखित ना हो, लिखित यार हमको 54 किलो चाहिए या 53 चाहिए, जो भी हो वो एक मतलब ये हो, तो उसमें ये नहीं होगा कि मतलब प्रॉब्लम हो किसी को, उसमें फिर आपस में संयम ये है कि भाई ठीक है बढ़ती है तो उसको पैसे देते हैं, जी 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 बस 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 इतना ही खाली, तो आप लोगों ने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कौन करे यहाँ पर है? अगर आप भाई साहब कर सकते हैं हमारे यहाँ, भाई साहब वरिष्ठ है क्यों नहीं कर सकते, हम आए हैं तो इसमें देखते हैं क्या क्या विसंगतियां हैं, बस क्या क्या सुविधा हो रही है अभी तक होना चाहिए, आप हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ 53 आप 54 कर रहे हैं, 54 कर रहे हैं, लेकिन 54 का ये कि हर एक को 54 का दड़ा मिलना चाहिए, कम हो ले लो और उसका अगर 56 निकल रहा 2 किलो का वजन दे दो उसको, तो तकलीफ होना चाहिए, बस 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 हम उतना ही कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप 53 लो या 53 क्यों ले रहे, 56 लो लास्ट उसका यही है, इसका एक तौल का माप होना चाहिए और किसान को निर्णय करे कि हमें कितना भर के ले जाना है, अगर ऊपर का जो तौल है किसान को उसका रेट मिले और कम का है, मैंने तो साहब कल अपने वीडियो में बोला है कि किसान तौल के लेके आए 53 किलो, किसान नहीं तौल के लेके आए, नहीं लेके आए तो वो 53 किलो
भरे नहीं, वो 50 किलो लाए, 51 किलो लाए, तो जब तौला जाएगा उसका तो दड़ा निकल, तो दड़ा 53 किलो का लगेगा, तो उसका 53 किलो ही जाएगा, 58 किलो नहीं जाएगा, तो वो 58 भरे ही नहीं। वो जुनून क्या होता है, उसका एक तौल की माप होनी चाहिए, जो भी किसान जो भी तय किया जाए मिले उस पर निर्णय हो। अगर किसान ज्यादा भर के लेके आता है तो उसका उसका बस बस मेरा इतना ही कहना है, मेरा इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना है। हुंडा का मतलब एज इट इज जो लाए हो, बस 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 बिल्कुल 50 किलो है या 60 किलो, बिल्कुल हुंडा मीन से, हुंडा मीन ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात है। जो भी है तुम्हारे सामने है, बस देख लो सामने है, उसमें गारंटी कुछ नहीं, ज्यादा भरा हुआ होगा उसका MRP बढ़ जाएगा। तो बाकी हमारे वही हम कह रहे थे कि कुछ लोग जलालाबाद से अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग नबीगंज से अपना डिसीजन चेंज कर लेते कि यार हम तो यार यहाँ नहीं बेचेंगे, फरकाबाद ले जाएंगे। अब उसका पैकेट भरा होता है तो वहाँ पे उसको तकलीफ होती है, तो वो दोबारा जो है वहाँ पे सस्ते में ही दे देगा, लेकिन यहाँ नहीं लाएगा। में कानपुर भी मंडी है, वहाँ पे आलू बिकता है, वो भी हुंडा ही जाता है, वहाँ पे किसान हुंडा ले जा, लेकिन हर पैकेट की तौल होती है, उसका मैप निर्धारित है बिल्कुल, कि हम 40 किलो लेंगे जी 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 जी, अगर इसका और इस पे इतनी मिट्टी लेंगे, नहीं वो मिट्टी तो काट देते हैं, नहीं उसका, अरे वही नहीं, मतलब मिट्टी का भी निर्धारित है ना कि भैया देखो 3-1 तो मिट्टी लगेगी ही, लगेगी ही आपसे, और इसके बाद ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा लगेगी, तो एक निर्धारित है ना, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को, और उसको किसान को भी मालूम है ऐसा होगा, तो वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा निर्धारण होना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना आए, कोई ये ना कहे कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लूटा जा रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बस एक जो भी है एक नियम होना चाहिए, वो जो सबके लिए अच्छा रहे, लेने वाले को भी है, बेचने वाले जी जी जी, वहाँ पे किसी को ये नहीं लगे, कोई चोरी नहीं बना पाएगा किसी, अरे वो उसको चोर ठहराता है, वो उसको चोर ठहराता है, वो बोलता किसान कम भर के ले आ रहा है, अरे किसान कितना भर के लेके आएगा, किसान तो अपना स्वतंत्र है, वो कम लाए उसका कम रेट लगाए, बस बस बस, अरे वो 20 किलो लेके आया, आप 20 किलो पैसे लगाओ ना उसके, हुंडा 20 किलो भरा है भैया, देखो तुम्हारा ये 500 में मंडी बिक रही है, हम तुम्हारा ये पैकेट 250 में लेंगे, बस जब आप हुंडा के निर्धारण करते हैं तो उसका तौल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जितना उसमें है जो भी है आप देख लो, और उसका जो मैनुअल है कानून है, किसान की तौल ली जानी चाहिए, और उसका वो निर्धारण हो कि एक एक कुंटल का मूल्य है जी जी, जाना है उसको ज्यादा पैसा मिले जी, है उसको बिल्कुल वहाँ पे किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, किसान भी श्योर हो जाएगा कि हमें इस तरीके का व्यापार करना है, हमारे पास कोई चीटिंग नहीं होगी जी, तो इसमें सुधार होने की आवश्यकता थोड़ा सा, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है शुक्ला जी कि आप लोग मतलब आप वरिष्ठ हैं और आप लोगों से थोड़ा बात कीजिए। मैं मंडी में परसों से ही आया हूँ, मैं बाहर था, परसों से आया हूँ, मैं देखता हूँ इसमें क्या है, और अपने पदाधिकारियों से बैठ के बात करूंगा इस पे, कुछ ना कुछ मंथन हो विचार जी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।